काफ़ी लंबा नैब का कोविड हो गया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन मैंने कभी इतना लंबा कोविड देखा नहीं। वो कोविड तब से शुरू हुआ था जब से सवाल हुआ था, अल्लाह ताला से दे मेरी दुआ है। लेकिन आज भी उन्होंने, एक महीने के बाद आज हेयरिंग थी, तो आज भी उन्होंने कहा कि आई हैव बीन लिटरली पुल्ड आउट ऑफ बेड, और मुझे ज़बरदस्ती आज बेड से निकाल के लाए हैं, तो मेरे से शायद आर्ग्यू नहीं होगा। तो फिर उन्होंने एडजर्नमेंट मांग लिए, तो मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि ये वही नैब है जिसने अभी दो महीने पहले ये दरख्वास्त दी थी कि डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद पे हेयरिंग होनी चाहिए और इस केस का जल्दी फैसला होना चाहिए। अब जब से सबूत मांगे हैं जजेस ने, अदालत ने, तो ये एक के बाद एक बहाना सामने आ रहा है, तो बड़ी अजीब बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो अब आपका क्या सवाल है जी? मैडम क्या कहेंगे, वाजपेयी साहब कहते हैं कि चार मुस्लिम की शख्सियत ने जो अहम शख्सियत से मिले हैं, नवाज शरीफ का पता साफ करने के हवाले से, आप क्या कहेंगे इसके बारे? देखें, बात असल में ये है कि कारकर्दगी इतनी बुरी है, ये भी कहना ज्यादती है कि कारकर्दगी बुरी है, कारकर्दगी है ही नहीं। जहाँ ना अहली, ना लायकी, महंगाई, बेहिसी, लाकानूनियत के फेलियर के अंबार लगे हों, वहाँ वो ऐसे ख़बरें ना फैलाएं, ऐसी ख़बरें क्रिएट ना करें, ऐसी ख़बरें फैब्रिकेट ना करें, तो क्या वो मीडिया को ये खुली आज़ादी दे दें कि मीडिया जो है वो महंगाई पे बात करे, मीडिया जो है वो लाकानूनियत पे बात करे, मीडिया वो गैस, पेट्रोल, डीज़ल की, बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं उस पे बात करे, या वो फिर मरी की बेहिसी पे, मरी वाला जो सानिया हुआ है उसकी बेहिसी पे बात करे, या फिर मीडिया इस पे बात करे कि बात आप ये कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी से कुछ चार लोग मिले और अपने आप को उन्होंने पेश किया है। हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि आप एक सिटिंग गवर्नमेंट होते हुए आपकी कैबिनेट मीटिंग्स में, आपके जो असेंबली के सेशंस हैं उसमें आपके मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, एमएनएस, एमपीएस खड़े होकर अपनी क़ियादत इमरान ख़ान के ख़िलाफ़, पार्टी के ख़िलाफ़, आपकी परफॉर्मेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो अगर इस किस्म की फैब्रिकेट न्यूज़ ना की जाए तो वो और क्या करें बेचारे, वो आपको फ्री हैंड तो नहीं दे सकते कि आप उनको रोज़ मीडिया के ऊपर आप उनकी ना लायकी और ना अहली को सामने लाएँ। तो ये जो है ना, ये टैक्टिक्स, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। और बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी जिस किस्म के टेस्ट से, ट्रायल से, जिस किस्म के जिसको मैं अजाब कहूँगी, वो गुज़र कर आई है, जो आग के दरिया से वो गुज़र के आई है, तो ये हकीकत पूरी कौम के सामने है कि पहली मर्तबा मुस्लिम लीग नून, या मुस्लिम लीग जिसको कहते हैं, वो उन आजमाइशों के बावजूद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नहीं टूटी। जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए, जिस तरह से उनको सजाए मौत की चक्कियों में रखा गया, जिस तरह से लालच दी गई, जिस तरह से धमकाया गया, डराया गया, बदतरीन हालात और इंतकाम के बावजूद मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक एमएनए, एक एमपीए अल्लाह ताला के फजल करम से नहीं टूटा और नवाज शरीफ के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। तो ये हकीकत ये है, हकीकत ये है, और हकीकत ये है कि इमरान ख़ान के, नवाज शरीफ तो अपोजिशन में है ना, बदतरीन इंतकाम सहर है, हकीकत ये है कि इमरान ख़ान के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस, हमारी जो हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम आवाम में जाने के काबिल नहीं हैं, वो खड़े होकर आपके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, ये है हकीकत। तो ये जो आप डाइवर्जन्स करते हैं ना, ये हम अच्छी तरह जानते हैं, कौम भी जानती है, ये मीडिया पे मीडिया मीडिया खेलने से ये सब नहीं होगा, सब जानते हैं हकीकत क्या है। मैडम, अगर इतने बुरे हालात आ चुके हैं जिस तरह आप बता रही हैं कि हुकूमत के अंदर होते हुए इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद हो रही है, तो इन हाउस चेंज एक आईनी तरीका है, इस हवाले से इतलात भी मिल रही है कि शायद अपोजिशन इस हवाले से जो है अपना जोड़ चुकी है, मुशावरत हो चुकी है, तो कब तक इन हाउस चेंज को हम एक्सपेक्ट करें? बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला। मेरा ख़्याल है कि जो मैं इनके, इमरान ख़ान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ, जब इनकी मैं देखती हूँ कि इनको कोई पैनिक सिचुएशन है,
तो मुझे और इनके वज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मुझे ये साफ़ लगता है कि इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को इस नालायकी, बेहिसी, नाअहली से, तारीख़ की बदतरीन नालायकी से जितनी जल्दी निजात दिलाई जाए उतना पाकिस्तान के हक़ में अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान अब ये हुकूमत एक दिन के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और जिस किस्म की इनकी कारकर्दगी है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की कौम पर रहम खाना चाहिए। जी महीना मैम, दो महीने कुछ बता दें, या महीनों के इंतजार है, हफ्तों का इंतजार है, या सहमाई का इंतजार? मेरा ये ख्याल है कि जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नज़र आ रही है। क्या उनका ये बयान भी एक शोशा है, या वाकई फौज आज भी सियासत के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर रही है? मुझे तो पहले ये समझ नहीं आती कि इस बात को कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी कोई और सवाल? जी सवाल मेरा तो दिल है कि मैं उनसे ये पूछूं कि आप बजाय इसके कि आप सियासत पे तवज्जो दें, लॉन्ग मार्च पे तवज्जो दें, आप पहले इस बात का जवाब दें कि मरी के अंदर आपकी गफलत की वजह से, आपकी नाअहली की वजह से, आपकी नालायकी की वजह से, आपकी बेहिसी की वजह से कई ख़ानदान जो है वो अपनी जान से गुजर गए, जान से हाथ धो बैठे। और जब आपके हाथ पे इतना बड़ा खून हो, जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो आपको ये ख्याल भी कैसे आता है कि आप इस किस्म के सियासी बयानात दें? और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बेहिसी उस दिन दिखाई गई, वो वज़रा ने जो बयानात दिए, ये पहली हुकूमत है पाकिस्तान की 75 सालों के अंदर जब भी अवाम पर कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम पर कोई क़यामत टूटी, जब भी अवाम के ऊपर कोई मुसीबत आई, इन्होंने उसका ज़िम्मेदार, अमवात का ज़िम्मेदार अवाम को ही ठहराया। तो कोई भी सानहा होता है तो हमें पता है कि अगला जो स्टेटमेंट वज़रा का आएगा वो यही आएगा कि अवाम का कसूर है। वो कसूर जो है एंड में अवाम का निकलता है। और चाहे वो क्वेटा में हज़ारा बरदरी की लाशों का मामला हो, उनको कहा गया कि मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा, और यहाँ पर 36 घंटे लोग बर्फ़बारी में दबे रहे, बर्फ़बारी में उनकी कब्रें बन गईं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जब बूट पहनकर अपनी ज़िम्मेदारी का और एहसास करते हुए जब वो सैलाब के पानी में उतरा करते थे, तो एक शख्स ये कहा करता था तकबर में कि ये शोबाज है और ये जो है वो शोबाजी है। तो मैं तो इंतज़ार करती रही 36 घंटे जब लोग मदद के लिए पुकारते रहे मरी में, तो मुझे तो ये इंतज़ार था कि इमरान ख़ान साहब भी शहबाज शरीफ साहब से बूट मांग के तो वो उतरेंगे वहाँ पर और बर्फ़ में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि मैं आपका खिदमत गुजार हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये बेहिसी क्या है। और फिर उसका भी इल्ज़ाम सयाहों पर आया कि सयाह जो हैं वो सारे मरी की तरफ उनका रुख कर लिया। भाई हुकूमतें इस तरह चलती हैं क्या? हुकूमत को इस तरह चलाया जाता है? आपकी ज़िम्मेदारी थी कि आपने फोरकास्ट को देखना था, फिर आपको ये पता होना चाहिए था कि इतनी गाड़ियों को मरी में दाखिल होने देना है और उसके बाद रोक देना है। 36 घंटे आप अपने हीटेड कमरों में सोए रहे, आपके हीटर्स ऑन थे जो कि सरकारी खर्च पर चलते हैं, आपको नहीं पता कि गैस की, बिजली की क्या प्राइसेस हैं, आप उसमें सोए रहे, लोग वहाँ मरते रहे, आपको मदद के लिए पुकारते रहे, आप वहाँ नहीं पहुँचे, और आपके पास सियासत के लिए टाइम है? बड़े अफसोस की बात है। जी आपने कहा इनको जल्द से जल्द हटाया जाए, मैडम इसी के साथ क्या होगा? इसी के साथ मेरा सवाल है, आपने कहा कि इंशाल्लाह जल्द, तो क्या आप समझती हैं कि हुकूमत आर या पार होने जा रही है? इससे पहले भी आप हुकूमत के बारे में ऐसा कहते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार हो जाएगी, तो अब आप समझते हैं कि हुकूमत जल्द आर या पार हो जाएगी? जी मैंने तो आपको ये कहा है कि इंशाल्लाह ताला दिनों का मामला है, तरीका कार भी आ जाएगा सामने आप सबके इंशाल्लाह। इन हाउस चेंज आता है और अपोजिशन कामयाब होती है विरासत को हटाने में, तो सजेस्टेड नेम्स कौन से हैं? पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग कौन का होगा, या कौन होगा जो आगे आएगा? जीडीए का तो नहीं होगा मैम कहीं? भाई ये तो बहुत कबल अज़ वक्त बात है, ये तो पहले सबसे
जो हमारी कोशिश है वो यही होनी चाहिए कि इस नाअहल हुकूमत से आवाम की जान छुड़ाई जाए, बाकी ये सब वक्त आने पर तय हो जाएगा इंशाल्लाह। कब तक आएंगे पाकिस्तान? आप लोग ये सवाल पूछ पूछ के थकते नहीं? मियाँ साहब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे, लेकिन उसका वक्त का जो तयन है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून तय करेगी। मैडम क्या कहेंगी आप के पीडीएम की जानिब से बहुत दफ़ा हुकूमत गिराने का जो है काम डाउन भी दिया गया, तो आप समझती हैं कि इस बार जो है आवाम भी बड़ी परेशान है, जब अपोजिशन जमातें भी कटी हैं, बजट से पहले कोई काम डाउन में हुकूमत जा सकती है? जितनी जल्दी पीडीएम को थी हुकूमत गिराने की, आवाम को है मुझे लगता है उससे ज़्यादा जल्दी इस हुकूमत को खुद है अपने आप को गिराने की। तो इंशाल्लाह जी हुकूमत ने जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ किया, उनको करप्ट करार देने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उनको पॉलिटिकली उनको ख़त्म करने की कोशिश की, उनको फाइनेंशियली ख़त्म करने की कोशिश की, उनको उनके ख़िलाफ़ स्मेयर कैंपेन्स चलाईं, उनको उनको फिज़िकली भी नुकसान पहुंचाने की, उनकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो ये हुकूमत उसमें फ़ेल होती आई है। और अब ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ये रोज़ की बात है, तो ये रोज़ के बहाने हैं, डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ये इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ का बाल भी उसको भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कुदरत ने ये बात साबित की है, अल्लाह ताला का फजल है। नवाज शरीफ आज भी, अभी अभी एक सर्वे आया है, मैं उसमें आप देख लें, आज भी लोग इस सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद अगर नवाज शरीफ पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, मुस्लिम लीग नून पर सबसे ज़्यादा एतमाद करते हैं, तो इमरान खान साहब को अपने वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भर लेना चाहिए। और आगे आप सब जानते हैं कि मुहावरा कंप्लीट कैसे होता है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि जनरल फैज़ हमीद के ऊपर तो आपने तनकीद की थी और उन्होंने कहा कि सियासत में उन्होंने भेजा मुदाखलत की है और इमरान खान को सपोर्ट की है, तो मौजूदा DGISI के हवाले से कोई शिकायत आपको मिली अभी तक? या जो इतलात मिल रही है कि वो न्यूट्रल है और एक अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और अपने जो जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं, तो यही बात दुरुस्त है? या देखिए मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि जो गलतियाँ माजी में हुई हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाएगा। और क्योंकि पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान की सक्सेस सिर्फ इसी में है कि पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, हर इदारा अपने आईनी हदूद में, कानूनी हदूद में रहकर काम करे, और अगर ये है तो पाकिस्तान की बका है, सलामती है, कामयाबी है। ठीक है जी, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।